जान लो, ये फोन तुम्हारी जान ले लेगा। रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे मोबाइल से जनरेट होती है, बनती है, अगर उसके नुकसान आपको पता चल जाएं, तो अच्छे से अच्छा मोबाइल एडिक्ट भी इन सेल फोन से दूरियां बना लेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल का कितना बुरा असर पड़ता है, तो आप लोगों के सामने अपने बच्चों के इंटेलिजेंस की नुमाइश करना बंद कर देंगे, जो आज तक आप करते आए हैं, ये कहते हुए कि देखो ये कितना शार्प बच्चा है, अभी से मोबाइल चलाने लगा है। और अगर आप ये बात जान जाएंगे कि मोबाइल फोन की रेडिएशन आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, जब आप इन्हें अपने शरीर के बहुत करीब रखते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने आगे की, पीछे की और चेस्ट की पॉकेट में इन्हें रखना भूल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको पॉपुलर मोबाइल फोन्स की SAR स्पेसिफिक अब्सॉर्प्शन रेट्स रेटिंग बताने वाले हैं। ये जितनी कम होगी, फोन उतना कम घातक रेडिएशन एमिट करेगा, वातावरण में छोड़ेगा। दोस्तों, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए बने, लोगों से संपर्क करने के लिए बने। आप लोगों से निवेदन है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए कीजिए, मनोरंजन के लिए नहीं। विभिन्न शोधों से प्रूफ हो चुका है कि मोबाइल रेडिएशन कितनी घातक है, पर हम इनके बारे में जानने के बाद भी इन खतरों को नजरअंदाज करते आए हैं। तो ध्यान दीजिए, ये वीडियो एक और मौका है आपके लिए और आपके परिवार के लिए इस मोबाइल रेडिएशन से बचने का। ये तो आप जानते ही होंगे कि मोबाइल कल्चर अब एक एडिक्शन बन चुका है, इसका नाम है नोमोफोबिया। जो लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं, वह सोते जागते मोबाइल के साथ रहते हैं, और जितना वक्त ये बीमार मानसिकता वाले मोबाइल के साथ बिताते हैं, उतना अधिक ये इस रेडिएशन के एक्सपोजर की चपेट में आ जाते हैं। उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता है कि उनका मोबाइल उनके हाथ से कहीं छूट न जाए, उन्हें मोबाइल के बिना कहीं रहना ना पड़े। ये होते हैं नोमोफोबिया के मरीज। विभिन्न शोधों से प्रूफ हो चुका है कि लॉन्ग टर्म मोबाइल रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, एक जगह ध्यान लगाने में मुश्किलें आने लगती हैं, इसे अटेंशन डेफिसिट कहा जाता है। मर्दों में तो नपुंसकता तक आने लगती है इस रेडिएशन से। मर्दों और औरतों दोनों में स्ट्रेस लेवल यानी तनाव का स्तर एक नॉन मोबाइल यूजर की तुलना में काफी अधिक होता है। दोस्तों, ये मोबाइल रेडिएशन आपके दिमाग के रक्त संचार को प्रभावित करता है, आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, और क्योंकि बच्चों की खोपड़ी में हड्डियों की परत पतली होती है, इस वजह से ये रेडिएशन उनके बढ़ते दिमाग पर सीधे वार करता है और आगे जाकर उनमें कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए अब ये कभी ना कहना, देखो ये कितना शार्प बच्चा है, अभी से मोबाइल चलाने लगा है, जान लो ये फोन तुम्हारी जान ले लेगा। तो क्या किया जाए इस मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए? आपको सिर्फ इतना करना है कि आने वाले 9 पॉइंट्स पे अमल करना है और आप इस घातक मोबाइल रेडिएशन से बच जाएंगे। तो ध्यान दीजिए। नंबर 1, बच्चों के हाथों में मोबाइल अगर देना बहुत जरूरी हो तो उन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ाइए और हैंड्स फ्री और वीडियो कॉलिंग करने कहिए। अगर वे फोन कान पर लगाकर वॉइस कॉल लेंगे तो रेडिएशन डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी गहरे अंदर तक जाएगा। हम तो ये सलाह देंगे कि इस्तेमाल कम से कम कराइए। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों में पिंसर ग्रास्प यानी पेंसिल पकड़ने की ताकत खत्म होती हुई भी देखी गई है। नंबर 2, महिलाएं अपनी ऊपर की जेब ब्रेस्ट पॉकेट में मोबाइल बिल्कुल ना रखें और ना ही अपने ऊपरी अंतः वस्त्रों में, इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। नंबर 3, महिलाएं और मर्द दोनों अपनी पिछली जेब में बिल्कुल मोबाइल ना रखें, ये कमर के दर्द से लेकर शियाटिका जैसी अन्य बीमारियों का कारक भी पाया गया है। मर्दों में पैंट के आगे की जेब में फोन रखने से नपुंसकता और स्पर्म की संख्या में गिरावट आने की शिकायतें आए दिन दर्ज हो रही हैं, तो बिल्कुल बचें सामने रखने से। नंबर 4, जब आप कॉल ले रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि फोन को कान से थोड़ी दूरी में पकड़ें, क्योंकि रेडिएशन की क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस या दूरी से। अगर आपने 2 इंच का भी डिस्टेंस रखा तो रेडिएशन 50% हो जाएगा, और अगर आपने हेडसेट या ईयरफोन का इस्तेमाल किया या हैंड्स फ्री यूज किया तो और भी अच्छा। जितना हो सके फोन शरीर से दूर रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, रात में फोन साथ लेकर ना सोएं और तकिए के नीचे तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये आपको इस घातक रेडिएशन का लॉन्ग एक्सपोजर देगा और नुकसान भी घातक होंगे। कोशिश कीजिए रात को अपने बेडरूम को नो मोबाइल जोन बनाने की। अगर रात में मोबाइल चेक करने की लत ही लग गई है तो कोई मोबाइल स्टैंड जैसा प्रोडक्ट यूज कीजिए, जिससे आपको उसे शरीर के पास न रखना पड़े और हाथ टांग कर भी न रखने पड़े। नंबर 6, ब्लूटूथ हेडफोन बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करें। साथ ही
तेज गति से मूव करते वक्त या बाइक, कार, ट्रेन में मोबाइल फोन न यूज करें। ऐसा करने से न सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि हाई स्पीड में मूव करते वक्त आपका फोन लगातार टावर चेस करता रहता है, इसलिए इस वक्त रेडिएशन सबसे अधिक और तेज होता है। नंबर 7, फोन में बात करते वक्त लगातार साइड्स चेंज करते रहें ताकि कम से कम एक्सपोजर हो। नंबर 8, बैटरी लो होने पे भी फोन यूज ना करें, इस वक्त रेडिएशन स्ट्रांग होता है। नंबर 9, सबसे जरूरी बात, सबसे कम SAR स्पेसिफिक अब्सॉर्प्शन रेट रेटिंग्स वाला फोन यूज करें। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की ये रही लिस्ट। दोस्तों, आने वाली जनरेशन में नोमोफोबिया जैसी बीमारी होने के प्रबल चांसेस हैं। नोमोफोबिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज बिना सेलफोन के रहने के खौफ से ग्रस्त होता है। ऐसे लोग मोबाइल के बिना रहने से डरते हैं, तो आने वाली जनरेशन को इस बीमारी से बचाएं और ये वीडियो मैसेज जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। जान लो